नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियाँ और किस्से। दोस्तों, यही आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिचुअल्स में ही देखने को मिलते हैं। तो हमारी कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए डाउनलोड कीजिए देखो ऐप। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे अमीर होकर भी गरीब है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक पौराणिक कहानी, आइए जानते हैं कि सबसे अमीर होकर भी गरीब क्यों है तिरुपति बालाजी। अगर धन के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान भगवान बालाजी ही हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी सभी देवताओं से गरीब हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान गरीब कैसे हो सकते हैं? और दूसरा सवाल ये भी आपके मन में उठ सकता है कि जो भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, वो आखिर खुद कैसे गरीब हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, तिरुपति बालाजी के बारे में एक ऐसी प्राचीन कथा है जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर जो कर्ज है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना और बहुमूल्य धातु दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्ज में डूबे व्यक्ति के पास जितना भी धन हो वो गरीब ही होता है। इस नियम के अनुसार ये माना जाता है कि धनवान होकर भी बालाजी हैं गरीब। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर कर्ज में क्यों डूबे हैं तिरुपति बालाजी। इसके बारे में एक प्राचीन कथा है जिसके अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु की छाती पर उन्होंने एक लात मार दी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? तब भगवान विष्णु के इतना कहते ही भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु, आप ही सबसे सहनशील भगवान हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वो विष्णु जी से नाराज हो गयी। नाराजगी इस बात से हुई कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया और उन्हें पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म ले लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। तब भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रख कर कुबेर से धन कर्ज लिया और इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वो सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करने जाते हैं ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, भक्तों से मिले इस दान की बदौलत आज ये मंदिर करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। तो दोस्तों, इतने धनवान होकर भी गरीब हैं बालाजी। ये थी हमारी कहानी तिरुपति बालाजी के ऊपर। आपको हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स का फेसबुक पेज भी है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी फेसबुक के अपडेट्स में मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक कहानियों के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।